मेरे पास ना फोन है, ना गाड़ी है, ना कैमरा है, कुछ नहीं, और मैं मोटो ब्लॉगिंग करने उतर गया हूँ यार। देखो 2 लाख का गाड़ी लो, 50,000 का कैमरा लो, 30,000 का आईफोन लो, सेकेंड लाएगा एक कैमरा के लिए गाइस। अगर मान लीजिए मैं 40,000 लगा के EMI पे ले भी लेता हूँ तो उसका वीडियो को एडिट कहाँ करूँगा। है गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गाइस। और काफ़ी दिनों बाद मैं आज ब्लॉग पे निकला हूँ गाइस। रीज़न है कि तबीयत ख़राब हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग चुका है, मतलब इतनी ठंड लग चुकी है कि गला से आवाज़ नहीं आ रहा गाइस। बट सोचा काफ़ी दिन हो गया ब्लॉग में, मैं अकेले ही निकला हूँ गाइस आज। और अकेले निकलने का एक ही रीज़न है कि सारे राइडर बिजी हैं। राहुल गया हुआ है, कॉलेज गया हुआ है, और R15 वाला गया हुआ है काम से, कहीं बड़ा बाजार गया हुआ है, सारे के सारे इधर उधर छटके हुए हैं। तो मैं सोचा क्यों ना चलूँ, मुझे जाना है चांदनी, जाना है, एक सेकेंड हैंड कैमरा है उसका बात करने जाना है गाइस। एक पार्टी है, एक बंदा है उसके पास सेकेंड हैंड GoPro है, जाकर उससे बात करते हैं बंदा कितना में देता है, क्या देता है, अगर प्राइस समझ में आया तो उसी से ले लेंगे। क्योंकि एक्शन कैमरा से शूट करने में बहुत दिक्कत हो रहा है गाइस, एक्शन कैमरा से क्वालिटी इतना ख़राब आ रहा है और वॉइस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे। अभी आप बता देना चाहता हूँ गाइस कि मैं अभी तक माइक नहीं करता हूँ गाइस, जोर जोर से थोड़ा चिल्लाकर बात करना पड़ता है कि आवाज़ क्लियर आ, फिर भी आवाज़ क्लियर नहीं आता है, दब जाता है गाइस। तो ये चलते हैं, चांदनी जाना है मुझे, चांदनी मार्केट में बंदा का दुकान है, बोला कि GoPro आया है आप आके देख सकते हो, तो मैं वही जा रहा हूँ। अगर बजट में आया, कैमरा अच्छा हुआ तो खरीद लिया जाएगा, सेकेंड हैंड कर दूंगा, नया खरीदने का तो औकात नहीं है गाइस। तो चलते हैं, तो सोचा क्यों ना जा रहे हैं तो कैमरा लगा लिया जाए, कैमरा लगा कर आपसे बात करते करते चला जाए, बहाने कुछ ब्लॉग भी हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। होने के बाद ये जो प्राइवेट नंबर बस वाले होते हैं ना, इतना हरामी पंती करते हैं, क्या बोले, पूरा रास्ता खाली है, जबरदस्ती का लगा के रखा हुआ। अरे भाई साइड में रखो ना, साइड में रोकने से कौन मना करता है, लेकिन नहीं, जबरदस्ती का लगा के रखेंगे। और सिटी में राइड करने से यही प्रॉब्लम होता है, जाम, बस, ट्रैफिक। भाई साहब देख के थोड़ा पूरा गिरा दिए थे हमको, तो पूरा हमको तो गिरा दिए थे बॉस। बुलेट वाला तो आज मुझे गिरा दिया था यार, आज सलाब से सामने आ गया, थैंक गॉड इस MT का, इसके ब्रेक पर ठीक था यार, मारे रुक गया वहीं पर। Thank you.
फाइनली गाइस बाजार से अभी मैं निकल रहा हूँ गाइस, और मार्केट में कितना भीड़ था मैं बता नहीं सकता यार, बहुत ज़्यादा भीड़ था यार। क्या बोला जाए, क्रिसमस आ रहा है ना, क्रिसमस को लेकर सब शॉपिंग में जुड़े हुए हैं गाइस। और अभी बज रहा है 8 बज गया गाइस, मैं कितना बजे निकला था, 1:30-2 बजे के आसपास मैं निकला था गाइस, अभी 1:30-2 बजे नहीं 2:30 बजे के आसपास निकला था, अभी 8 बजे घर जा रहा हूँ, काफ़ी लेट हो गया। और ना जैकेट लिया ना स्वेटर लिया, ऐसे मुझे ठंड इतनी लग रही कि क्या बताऊँ, ऐसे भी ठंडा लगा हुआ है, और ऊपर से बिना जैकेट स्वेटर आ गया हूँ। और एक बात बताना था कि GoPro का भाई दाम कितना बेसी है यार, अगर मैं GoPro Hero 10 ले रहा हूँ तो उसका दाम है आपका नहीं भी तो पड़ जा रहा 40,000 का पूरा पड़ जा रहा, मतलब उसका केस लेके एक्स्ट्रा बैटरी लेके। अगर गाइस मैं GoPro ले भी लेता हूँ 40,000 का तो उसको एडिट कहाँ करूँगा, क्योंकि GoPro का अगर वीडियो एडिट करना है तो लैपटॉप चाहिए तो आईफोन चाहिए, ना पे बस लैपटॉप है ना आईफोन है, तो समस्या तो खड़ा हो जा रहा है। अब मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ यार, क्योंकि इतना महंगा मिलेगा कैसे होगा मैं मिडिल क्लास के लिए, मेरे पास तो अपना खुद का बाइक भी नहीं है, दोस्त का मांगा हुआ है, कैमरा दोस्त से लिया हुआ है, मतलब कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा, जिसका कैमरा है वो अपना कैमरा मांग रहा है, बोले उसको दरकार है, टेंशन बढ़ गया यार। एक मिडिल क्लास लड़का को मोटो ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल काम है यार, बहुत मुश्किल काम है, मोटो ब्लॉगिंग में इतना खर्चा है कि क्या बोला जा सकता है यार, बहुत खर्चा है। एक 2 लाख का गाड़ी लो, 50,000 का कैमरा लो, 30,000 का आईफोन लो सेकेंड हैंड, तब जाके तुम एक मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हो। मेरे पास ना फ़ोन है, ना गाड़ी है, ना कैमरा है, कुछ नहीं है, और मैं मोटो ब्लॉगिंग करने उतर गया हूँ यार, ऐसे होगा समझ में नहीं आ रहा।